हे गाइस, वेलकम बैक टू सोल टूर्नामेंट एंड अपडेट वीडियो। एंड ये ओएसई स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट है, बाकी जो अपथ्रस्ट का है वो आपको नाइट वाले वीडियो में मैचेस के अपडेट मिल जाएंगे। एंड ये वीडियो में आपको ओएसई स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट का मैच का अपडेट है, लाइक जहाँ पे टीम सोल ने इरेंगल के मैप में 12 या 13 फिनिशेस निकाले थे, एंड नियो का वो बैकअप वो आप मैच में देखो क्या हुआ था। और 8bit वर्सेज गॉडेल की भी फाइट हुई थी, जहाँ पे गॉडेल ने 8bit ने चिकन डिनर निकाला था। एंड आज आपको रेगल्टॉन्स भाई भी खेलते हुए देखने को मिलने वाले हैं 8bit के साथ। सो अब चलते हैं सीधा मैच की तरफ। एंड चैनल पे जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 54 के सब्सक्राइबर लाइक को होने वाले हैं, 150 सब्सक्राइबर और चाहिए, सो आज कर देना कैसे भी। एंड अब चलते हैं सीधा मैच की तरफ। और हर्ष की बात करें तो रॉनी ने वहाँ पे इस बात का अच्छे तरीके से फायदा उठाया। नियो भी वहाँ पे टेक डाउन कर दिए गए। हेक्टर और अक्षत केवल दो खिलाड़ी टीम सोल की तरफ से। क्या यहाँ पे वक्त रहेगा वो बैकअप? जी हाँ, पहुंच तो गया है। अपने आईजीएल को रिवाइव देने की पूरी कोशिश रहेगी। फिनिशेस भी यहाँ पे निकालने में कामयाब हुए। व्हीकल में खाना चाह रहे थे इसलिए नहीं, बट कुल मिला के नियो की तरफ आ चुके हेक्टर, ओमेगा की तरफ जा चुके अक्षत। बड़े आराम से वापस से फोर मैन स्ट्रॉन्ग करेंगे अगर जेनेसिस ने मौका दिया तो। बिल्कुल, लेकिन आपने जैसे कहा था वो व्हीकल में बिठा के वापस लेके आया। देखिए यहाँ पे आके रिवाइवल दिया जाएगा, ये काफी अच्छा अपडेट है जहाँ पे आप अपने प्लेयर को बिठा के वापस लेके आ सकते हो और फिर अपने एरियाज में जाके आप इजीली रिवाइवल उनको दे सकते हो। काफी अच्छी बात, तरीके के कारनामे आज भी करके वो दिखा सकते हैं, जरूर से एक बड़ा सवाल रहेगा। बट मौके की बात होती है यहाँ पे और मौके यहाँ पे इन प्लेयर्स को मिल रहे हैं। मैं बता दूं कि हमारी जनता को भी मौका मिल सकता है डिस्कॉर्ड में राइजिंग स्टार्स के लिए। कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है, जो कि आप बिल्कुल से मिस आउट नहीं करना चाहोगे, तो अभी के अभी जाकर डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा। बट इसी बीच कमला बॉय क्या टेक डाउन कर पाएंगे? जी हाँ, ओमेगा को वहाँ पे डाउन किया गया, लेकिन कवर फायर देखिए क्या कमाल का यहाँ पे मिला। लेकिन उसका बहुत ज्यादा फायदा मेरे अकॉर्डिंग होगा नहीं, क्योंकि ट्रॉय के पास एक ऐसा एंगल है जहां से वो टैप शॉट करके आई थिंक ओमेगा को तो बाहर किए ही है, अक्षत को भी बाहर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पे अक्षत को भी बाहर करने की ट्राई करेंगे, लेकिन ओमेगा ऑलरेडी इस लॉबी को छोड़ के जा चुके। लेकिन अक्षत उनके एचपी है, शायद से एक रिवाइवल बन सकता है। बट हेक्टर की तरफ से कुछ नेड्स किए जा रहे हैं, ग्रेनेड के थ्रू वो करना चाहते हैं वहां पे जो प्लेयर्स नॉक है उनको बाहर करना चाहते हैं। चलिए सोमराज का कंफर्मेशन यहाँ पे इन्होंने भी ले लिया था, हेक्टर के नाम भी वो पहला फिनिश आता हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन टीम सोल अपना पहला प्लेयर गवा चुकी है। यहाँ से अक्षत को अगर रिवाइवल नहीं मिला तो वो दूसरा आंकड़ा हो सकता है, वो दूसरा नंबर हो सकता है जहाँ पे ये प्लेयर को गवा सके। बट अक्षत को रिवाइवल मिल जाएगा सही समय के ऊपर। और उसी के साथ एनटीटी के लिए अब दिक्कतें बहुत ज्यादा, क्योंकि सामने तीन प्लेयर्स और आपके पास एक लौता ट्रॉय बचे हुए, और ट्रॉय को अब संभालनी पड़ेगी पूरी की पूरी कमांड। टीम को भी देखना है प्लस अपने प्लेयर्स को भी रिवाइवल देना, जो दोनों चीजें यहाँ पर पॉसिबल तो नहीं लग रही है। लेकिन गबला बॉय का जो नॉक था वो कंफर्मेशन किया जाएगा और वहीं पे दोनों प्लेयर्स एक साथ चार्जिंग करेंगे। सामने की तरफ ट्रॉय देखने को मिल जाएगा, अक्षत के हाथ में डीपीएस आपको देखने को मिले, और इनके हाथ में जो डीपीएस होती है फिर सामने भले कोई भी वेपन हो नहीं चलेगी। लेकिन चलिए नियो का वो फाइनली कनेक्शन मिलेगा और प्लेयर्स को बाहर तब अभी आना बाकी है। टीम का बैकअप भी आता हुआ देखने को मिल जाएगा, लेकिन टीम सोल जहाँ पे गई है वहां पे वो फंसे हुए देखने को मिले। प्लेयर को डाउन कर दिया जाएगा, रिकॉर्ड एक और प्ले करते हुए वहां पे जहाँ पे हेक्टर की व्हीकल ऑलमोस्ट ब्लास्ट होने वाली, और चलिए हेक्टर को भी डाउन कर दिया जाएगा। लेकिन वो जो पहले ब्लास्ट किया था व्हीकल उसके पीछे नियो अक्षत को रिवाइवल देते हुए नजर आ रहे हैं, और अक्षत को रिवाइवल मिला है। लेकिन अभी के लिए नूमन के पास चांस है कि वो डायरेक्टली जाके पुश कर दे और टीम सोल को यहां से बाहर करने का मौका उनके पास रहेगा। लेकिन सामने की तरफ आपको प्लेयर देखने को मिल जाएंगे, सवितार आगे तो गए हैं, लेकिन क्या वो अपने डीपीएस के साथ दो प्लेयर्स को डाउन कर पाएंगे ये देखना पड़ेगा। चलिए अक्षत के ऊपर कनेक्शन मिलेगा, नियो सामने की तरफ है, क्या नियो को डाउन करेगी? जी नहीं, नियो यहां पे डाउन करेंगे सवितार को, और फिर से अगेन वो रिवाइवल बनता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन प्लेयर को आगे आपने भेजा था, ये बड़ी गलती, क्योंकि वहां पे जो प्लेयर गया है वो ऑलरेडी बाहर हो जाएगा। लेकिन आपका बैकअप वहां पे चाहिए रहेगा। गिल गए अभी के लिए अपनी व्हीकल लेके वहां पे, और गिल जितनी देर में जाएंगे शायद एक और रिवाइवल वापस वहां पे होता हुआ हमें देखने को मिल जाए। अक्षत फिर से अपने पैरों के ऊपर खड़े होते हुए देखने को मिल सकते हैं थोड़ी देर के अंदर, लेकिन गिल रुकते हुए नजर आ जाएंगे। थोड़ी देर गिल रुकेंगे, लेकिन उससे पहले एक मोलोटोव की जाएगी, लेकिन उससे पहले कनेक्शन इनके ऊपर बन जाएगा। मौली भी गई है, कनेक्शन भी बना है, क्या यहाँ पर इनको गुबार करना है ये देखना पड़ेगा। नियो सामने की तरफ अभी भी सर्वाइव कर रहे बाकी प्लेयर्स डाउन हो रहे, बट नियो बैक टू बैक अपने प्लेयर्स को रिवाइवल दे रहे, बैक टू बैक अपनी टीम की बैकबोन बनके खड़े हुए और वापस अपनी टीम को तीनों प्लेयर्स के साथ खड़ा कर रहे किसी भी सिचुएशन के। नूमन आगे आराम से तो मैं नहीं बोलूंगा, काफी मुश्किलों के बाद वो आगे निकले, बट एडवांटेज देखिए यहाँ पे गॉडलेक के पास बहुत ज्यादा है। चारों खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं, 8 टोटल फिनिशेस निकाले गए सर्कल का,
सदन पार्ट पूरा कंट्रोल में, जो शिफ्ट भी आएगा वो एक सदन शिफ्ट हमें देखने को मिल चुका है, इसके कारण अभी कहीं ना कहीं टीम गॉडलाइक को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। दूसरी तरफ टीम सोल वर्सेस न्यूमैन का भी फाइट चल रहा है, जहां पे टीम सोल जरूर से कुछ अच्छे पिक निकालने की कोशिश में। न्यूमैन की बात की जाए तो यहाँ पे अभी डाउन है, क्लच के सामने आ जाएगा वो ग्रेनेड और क्लच गॉड, इन्हें भी इस मैच से बाहर कर दिया जाएगा। सातवें स्थान पे इनका एलिमिनेशन आता हुआ, बट अब बारी आ चुकी है स्टॉप। अब सदर्न साइड में देखिए तो टीम गॉडलाइक के पास वो कॉर्नर है जिसका वो पूरा पूरा फायदा उठाने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात है वो चारों खिलाड़ी भी है, बट जी गॉड अभी फिलहाल उन्हें टेक डाउन किया गया है। ग्रेनेड यहाँ पे 8-bit के खिलाड़ियों के ऊपर ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे इस पावर कनेक्शन बनाने का। रेगल टॉस भी अपने व्हीकल से थोड़ा अलग हटके खेलने की कोशिश रहेगी या फिर क्या वो जरूर से हम पता करेंगे, बट मैडमैन की बात की जाए उनका ग्रेनेड यहाँ पे जी गॉड को कनेक्शन में लाया, नॉक भी करेंगे समाप्त भी करेंगे। 8-bit का पुश आ जाएगा यहाँ पे, सर्कल में ऑलरेडी थे बट सर्कल के बिल्कुल कॉर्नर पे आके क्लियर करना चाह रहे हैं यहाँ पे टीम गॉडलाइक को, लेकिन उसमें कामयाबी आखिर में देखते हैं किन्हें प्राप्त होने वाली है। समाप्त तो आई थिंक यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन रैम्पेज मोड में भी गॉडलाइक गए थे, लेकिन आखिरकार बाहर का रास्ता यहाँ पे दिखाया जाएगा। 8-bit मानो अचानक से वो एग्रेशन आया, ग्रेनेड किए पहले वहां पे जीग आउट को, बिल्कुल छठे स्थान पे आपको एलिमिनेशन देखने को मिल जाएगा, लेकिन इनसे इनके स्किप्स के हाथ को डाउन किया जाएगा, अक्षत को डाउन किया जाएगा। दो मेन खिलाड़ी स्टार प्लेयर डाउन हो चुके, लेकिन नियो अभी भी अपनी टीम की तरफ से वो बरकरार है, अपनी टीम को और ज्यादा ऊपर लेके आ चुके, टॉप 5 के अंदर ऑलरेडी वो टीम प्रवेश कर चुकी है। अक्षत का कंफर्मेशन भी इनसे इनके स्किप्स को मिल जाएगा, बैक टू बैक वो कंफर्मेशन निकाल ली इन्होंने, ताकि तुरंत ही आपको फिनिशेस अब चाहिए रहेंगे। अब आप ये नहीं कर सकते कि नॉक करके छोड़ दीजिए, लेकिन नियो बैक टू बैक हील बैटल कर रहे हैं, वो सर्कल के बहुत ज्यादा बाहर है और वहां से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल, और टीम सोल यहीं पे पांचवें स्थान के ऊपर अपना सफर खत्म तो जा रही है, जिसके कारण कोई फायदा मिल जाए अगर 8-bit का एक भी प्लेयर डाउन होता तो शायद से पुश आ सकता है, बट वहां पे आप देखिए एक इकलौता प्लेयर है लेकिन वो बगी लेके घूम रहा है इतने मैदान के अंदर। 8-bit के दोनों प्लेयर्स को भी परेशान करके रखा है उस खिलाड़ी ने, लेकिन सामने की तरफ स्किप्स को भी देख लिया जाएगा, अनुष्को की उनको वैसे बाहर किया जाएगा, सामने बाकी आपको 8-bit का चिकन डिनर और सोल का तोड़फोड़ सेम मैच में कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, एंड अगर आपने टीम सोल का कल का ओपी तोड़फोड़ वाले मैचेस नहीं देखे हैं तो आप लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। तो बस ये था आज का वीडियो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ सोल के अपडेट एंड तोड़फोड़ के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप प्लेइंग कीप सपोर्टिंग, बाय, एंड चैनल पे जो भी नया सब्सक्राइब कर देना।